पड़ता है तो जो है है उसे उसके according अपनी monetary, fiscal, industrial, commercial policies को change करना पडता तो ये डिफिकल्ट हो जाता है जो कंट्री रिसीव कर रही है एड उसके लिए कि वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसे अडॉप्ट करे देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन फॉरन डिपेंडेंस जो फॉरेन कैपिटल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एड है वो इंक्रीज करती है कंट्रीज की डिपेंडेंट फॉरेन कंट्रीज के ऊपर क्योंकि जो मशीन रॉ मटेरियल टेक्निकल नो हाउ एसेक्ट्रा जो आप इंपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री से वो आपकी डिपेंडेंस जो है वो उन कंट्रीज के ऊपर बढ़ा रही है क्योंकि जिससे आपने वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसके स्पेयर पार्ट्स एसेसरीज टेक्नीशियंस एक्सेट्रा भी आपको इम्पोर्ट करने पड़ेंगे द नेक्स्ट इज योर मोर बर्डन बर्डन ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल्ट का वो हमेशा ज्यादा होता है एस कम्पेयर टू जो आपके इंटरनल डेप्ट का बर्डन है क्योंकि जो बॉरूअर कंट्री है उसे मैनेज करना पड़ेगा फॉरन एक्सचेंज ताकि जो भी उसकी एक्सटर्नल डेप्ट की लाइबिलिटी है वो उसे पे कर पाए कई बार बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरन एक्सचेंज डिफिकल्ट हो जाता है कंट्री के लिए फॉरन डेप्ट को इंटरेस्ट के साथ रीपे करना दैन नेक्स्ट इज इन सफिशियंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्स जो फॉरन कैपिटल है उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्स अगर फॉरन कैपिटल या जो लोन है आपको ईजिली अवेलेबल होंगे तो आप अपनी खुद की कंट्री के अंदर जो आपकी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको इंक्रीज करने की एफर्ट्स ही नहीं करते हो इनिशियल ईयरस ऑफ प्लानिंग में जो रेट ऑफ इंटरनल सेविंग्स है वो कम होता है और इजी असेस क्योंकि आपको फॉरेन कैपिटल का मिल रहा है तो आपके इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है नेक्स्ट इज योर अनसर्टेनिटी जो एलिमेंट है अनसर्टेनिटी का वो भी बहुत होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड एड वो कई बार आपको टाइम पे मिल भी जाती है और कई बार टाइम पे नहीं भी मिलती क्योंकि जो फॉरेन कैपिटल है वो परमानेंट पार्ट नहीं हो सकती किसी भी इकोनॉमी का और जब आप क्राइसिस है कंट्री में आपकी और फॉरेन कैपिटल की जरूरत है तभी उसकी जो अवेलेबिलिटी है आपको नहीं हो पाती है देन नेक्स्ट इज योर हार्मफुल फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो सफर करते हैं इसकी वजह से क्योंकि जो जब आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे अपनी कंट्री में वो जिसमें आपकी फॉरेन कैपिटल इन्वॉल्व है तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाती हैं फॉरेन एंटरप्राइजेस से तो जो उनका प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उनकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है और कई बार तो उन्हें प्रोडक्शन बंद भी करनी पड़ती है देन नेक्स्ट इज़ इम्बेलेंसड डेवलपमेंट इंडिया में फ़ॉरन कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है वो हाई प्रॉफिट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट हुई है और जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बैलेंस नहीं रहती है क्योंकि जो फॉरेन कैपिटल है वो हमेशा उन इंडस्ट्रीज में लगाई जाती है जहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा द नेक्स्ट इज योर हेडस इन द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी फॉरेन टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल रही है फॉरेन कैपिटल के साथ तो इसका एडवर्स इफेक्ट जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च वो इंडियन फॉर्म्स जो ऑपरेट कर रही हैं इन कोलेबोरेशन विद फॉरेन फॉर्म्स उन्हें डिपेंड करना पड़ता है टेक्निकल नो हाउ के लिए और फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स और रिपेयर के लिए भी फॉरेन जो एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर और जिसकी वजह से जो आपका डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती है नेक्स्ट इज मोर प्रोजेक्ट या टाइड एड जो फॉरेन एड है वो दो तरीके की होती है एक है आपका टाइड एड और एक है अनटाइड एड टाइड एड का मतलब है जो आप सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही यूज कर सकते हो जैसे इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को पर्टिकुलर कंट्री से ये जो कंट्री की फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है क्योंकि आपको हाई प्राइसेस पे भी वो गुड्स जो है बाय करने पड़ते हैं और इसके कंपैरिजन में अगर हम एड देखें तो जो बोरोअर कंट्री है वो उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि उसे उसे कैसे use करना है उस पर उसका utilization कैसे होना चाहिए टोटल की है उसका 66 जो है वो tied aid है और जो रिमेनिंग वो फोर परसेंट है वो अनटाइड एड है तो कॉन्सिक्वेंटली जो इंडिया है उसको फ्रीडम नहीं मिल पाई कि कैसे उस फॉरेन एड को वो यूज करे तो मोस्ट ऑफ दी जो फॉरेन एड है वो यूटिलाइज ही नहीं होती है उसकी खुद की जो इंडिया है उसकी खुद की नीड के अकॉर्डिंग देन नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट सर्विसिंग फॉरेन लोन जो है वो इस प्रॉब्लम को राइज करते हैं दैट इज डेप्ट सर्विसिंग डेप्ट सर्विसिंग का मतलब है रीपेमेंट करना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की एट द एक्सपायरी ऑफ डेप्ट पीरियड तो जो बर्डन है डेप्ट सर्विसिंग का इंडियन इकोनॉमी पे वो बढ़ता जा रहा है तो जो इंक्रीज बर्डन है डेप्ट सर्विसिंग का उसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑन लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैरियर्स क्या है ऑब्स्टिकल्स क्या है इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया सबसे पहला है लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी इन्वायमेंट इंडिया में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज में गवर्नमेंट की और फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है वो डिस्करेज करते हैं लॉन्ग टर्म फॉरन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने से तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो मेन कॉज है जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज में उसका और स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर अनसर्टेनिटी का फॉरन इन्वेस्टर्स के लिए द नेक्स्ट इज पुअर रैंक इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में जो रेगुलेटरी इन्वायमेंट है फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस वो जो है उसमें एज नहीं है वो कॉम्प्लेक्स है जो प्रोसीजर है लाइसेंसिंग लाइसेंसिस ऑप्टेन करने का कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का क्रेडिट ऑप्टेन करने का रजिस्टर करने का, का प्रॉपर्टी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने का इलेक्ट्रिसिटी प्रिक्योर करने का वाटर कनेक्शन प्रक्योर करने का सेक्टर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन द ईयर 2019 जो रैंक था इंडिया का इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस वो 63 था वर्ल्ड में कुछ जो ऑल दो जो लास्ट फ्यू इयर्स है ये इसमें ये रैंक इंप्रूव हुआ है पहले से लेकिन स्टिल ये काफी पीछे है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो प्रेफर करते हैं उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना जिनका जो रैंक है इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस वो अच्छा है इन ईयर 2009 चाइना का जो रैंक था इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस वो थर्टी था इन द वर्ल्ड जो इंडिया से कहीं ज्यादा बेटर है नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो बहुत वीक है इन कम्पेरिजन टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक फॉरन इन्वेस्टर करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जो इंडिया में है उसमें स्टिल मॉडर्न पोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर एनर्जी जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन एक्सेट्रा जैसी जो चीजें आपको नहीं अवेलेबल होती हैं नो डाउट कि जो लेंथ स्प्रेड है हाईवे का वो इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर लेकिन वही जो आपके वहीकुलर ट्रैफिक है वो ज्यादा है प्रॉब्लम ट्रैफिक जैम्स की है ग्रोथ हाईवे की जो है वो सफिशेंट नहीं है द नेक्स्ट इज पुअर लॉ एंड ऑर्डर सर्टन पार्ट ऑफ इंडिया में टेररिज्म है जिसकी वजह से जो कॉम्युन रॉइट होते हैं वो डैमेज करते हैं कंट्री की इमेज को जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो हेजिटेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए उस नेशन में जहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है नेक्स्ट इज करप्शन प्रॉब्लम करप्शन इंडिया में बहुत गहराई तक है तो जो इनैक्टमेंट है नो डाउट राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है आर टी आई उसने ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की है इन दी फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट स्टिल जो इंडिया का रैंक है इन ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो बहुत पुअर है जो प्रॉब्लम्स हैं स्कैम्स की ब्राइबरी की फ्रॉड्स की वो बहुत सीरियस हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो हेजिटेट करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इसी प्रॉब्लम की वजह से दैट इज करप्शन नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल लिबरलाइज करने के लिए इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को और जो टास्क था कि अलाउ करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को दिया गया लेकिन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है इनकी फंक्शनिंग में जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो जो स्पीड है मूवमेंट की कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्लियरेंसिस के लिए वो बहुत स्लो है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डिफिकल्टी फेस करते हैं इन गेटिंग क्लियरिंग क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इंडिया में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और रजट है जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लेजिसलेशन बनाए हुए हैं बिजनेस के वेरियस आस्पेक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेबर की बात करें तो उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड लेबर एक्ट फेटल एक्सीडेंट एक्सेट्रा एक्ट जैसे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लेबर लेजिसलेस में ही इंक्लूड है सेम तरीके से सिमिलरली और सारे और बहुत सारे अदर है बिजनेस के एरियाज में तो ये जो कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है ये डिस्करेज करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट इज योर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ड्यू टू कंसिस्टेंट डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट जो इंडियन रूपी है वो स्टेबल नहीं है एज अगेंस्ट अदर मेजर ग्लोबल करेंसी वाइड फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट में जो अनसर्टिनिटी पोस्ट करती है टू फॉरन इन्वेस्टर्स नेक्स्ट इज रिजिड सोशो कल्चरल एनवायरमेंट जो सोशो कल्चरल एन्वायरमेंट है इंडिया का वो डिफर करता है एन्वायरमेंट जो डिवेलप नेशंस में है उससे कई पार्ट्स ऑफ द नेशन में एक्सेसिव जो पेट्रोटिज्म है जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है सोसाइटी के वो अपोज करते हैं फॉरेन कंपनीज को तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डिफिकल्ट फाइंड करते हैं इस चीज को कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सोशो कल्चरल इन्वाट में क्योंकि रिजिडिटी है तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो भी अपोज करते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट को कि कहीं वो उन्हें कॉम्पिटिशन से बाहर ना निकाल दे तो ये रीजनस है जो लिमिटेशंस बनते हैं फॉर दी फॉरन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सजेश्स टू वर्ड्स बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच